हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं, जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 91 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 26 फरवरी 2021। तो आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, ये आपकी बुक का आखिरी चैप्टर है, इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। पहले वर्कशीट देख लेते हैं एक बार। तो आपको यहाँ पर एक देख लो, जैसे आप ये सारणी एक दे रखी है, उसके बाद 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यू वाले ही हैं, बहुत आसान सी वर्कशीट है। तो देखते हैं कैसे होंगे यहाँ पर। देखो, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, चिकित्सा जांच के दौरान एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार रिकॉर्ड किया गया। नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में 200 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े दिए गए हैं। हुआ क्या, एक चिकित्सालय जांच हुआ था, मतलब मेडिकल चेकअप जो होता है, ठीक है, तो उसमें वेट जो होता है, बच्चों का वेट, वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही आपको उसकी 200 बच्चों के वेट की, भार की इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। मतलब 31 से 35 kg के बीच में 17 बच्चों का वेट है, 36 से 40 kg के बीच में 46 स्टूडेंट्स का वेट है, ऐसे आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। ठीक है, अब हुआ कि आपने इनमें से एक विद्यार्थी को चुना है, तो आप बताइए कि जो चुना हुआ विद्यार्थी है उसकी प्रायिकता क्या होगी अगर वो कौन से अंतराल में आता है, 46 से 50 kg में। तो देखो, ये रहा 46 से 50 kg, तो 34 है अनुकूल परिणाम। अब कुल परिणाम मेरे पास 200 है, यही है ना। ठीक है, तो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.17 ये आपकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड केस में वो आपसे यहाँ पर कह रहे हैं 60 kg हो या 60 kg से कम हो। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 60 kg मेरे पास यहाँ तक है, और उससे कम मेरे पास ये सारे ऊपर 60 kg से कम वाले ही है। इसका मतलब मुझे इन सब विद्यार्थियों में से कोई एक चुना है मैंने, तो पहले इन सबको लिख लेते हैं। 17 + 46 + 52 + 34 + 27 + 11, तो जब आपने इन सबको जोड़ा तो 187 आया। तो अनुकूल परिणाम 187 और कुल परिणाम है 200। तो आप जब डिवाइड करोगे तो 0.935 आपको यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहा है थर्ड वाले में 50 kg से अधिक हो। तो देखो, 50 kg यहाँ तक है, इससे अधिक चाहिए, 50 kg तो चाहिए ही नहीं। इसका मतलब ये पूरा लेना है हमें, ये वाले विद्यार्थी लेने हैं। कौन कौन से, 27 एक लेंगे, 11 8 3 और 2। तो अब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 51 डिवाइडेड बाय 200 होगा, नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, 2.25, 0.255, तो ये आपकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं 41 kg से 55 kg हो, उस बच्चे का जो भार है, वेट है, वो इनके बीच में होना चाहिए जिस बच्चे को हमने चुना है। तो 41 यहाँ पर है और 55 यहाँ पर है, इसका मतलब एक तो ये वाला लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 52 + 34 + 27, तीनों को जोड़ोगे तो 113 आएगा। तो अनुकूल परिणाम 113 आ गए और कुल परिणाम है 200, डिवाइड किया तो 0.565 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट रह गया फिफ्थ वाला। इसमें कह रहा है 31 kg से कम ना हो, मतलब 31 kg से कम नहीं होना चाहिए, तो उससे ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब तो हो सकता है ना, उससे ज्यादा, बस कम नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर आप अपनी ये सारणी देखो तो ये तो सब 31 और 31 से ज्यादा वाले ही दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं ना, यहाँ 31 से शुरू है, तो 31 तो हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, और लास्ट 75 तक है, वो उससे ज्यादा ही है। तो इसका मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो अनुकूल परिणाम भी इस केस में 200 है और कुल परिणाम भी 200 है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वर्कशीट यहाँ पर 91 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 92 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।